हेलो हाय हाई आधा बहुत नमस्कार गुड इवनिंग और आप लोगों को याद कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक खास मौके के लिए जी क्योंकि आज है 31 अक्टूबर और आज है राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानता का सम्मान करता है इस दिन भारत में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें से एक रन फॉर यूनिटी भी है इसके तहत सभी एक साथ दौड़ का हिस्सा बनते हैं और ये क्यों मनाया जाता है इसलिए आपको बताता हूँ राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने कई रियासतों को भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो भारत के लौह पुरुष और भारतीय गणराज्य के संस्थापक नेताओं में से एक के रूप में प्रसिद्ध है साल उन्नीस में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय देश में पांच सौ बासठ रियासतें हुआ करती थी जिसमें से अधिकांश ने देश में कर वसूलने का ठेका लिया हुआ था ऐसे में भारत के लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था साल दो में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती आरोप श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य ऐसी राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की देश के लिए उनके असाधारण कार्यों के लिए हमेशा देश उन्हें याद करेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने भारत को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्घाटन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर एक कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किया था जिसे नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी आयोजन किया जाता है भारत एक विविधतापूर्ण देश है इसलिए एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है भारत सरकार ने भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात में नर्मदा नदी के पास उनकी एक विशाल प्रतिमा का निर्माण भी कराया है राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इसके तहत रन फॉर यूनिटी जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं और देशवासियों में एकता की भावना को बनाए रखा जाता है इस दिन कई स्कूल कॉलेजों में बैनर पोस्टर मेकिंग निबंध प्रतियोगिता भाषण पाठन क्विज प्रतियोगिता पेंटिंग वाद विवाद और आदि सहित कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी की जाती है मैं अपनी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को डीवाई फैमिली की तरफ से प्रणाम करता हूँ और राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई देता हूँ थैंक यू